वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। जितनी भी नेमतें हमें दुनिया और आखिरत की नजर आती हैं, उसकी असल उसूल एक नेमत है और उस नेमत को हयात और जिंदगी कहते हैं। ये जिंदगी और हयात, ये वो असल उसूल नेमत है। अगर जिंदगी और हयात आपको मिली तो सारी नेमतें आपके लिए नेमतें हैं, अगर जिंदगी और हयात नहीं मिली तो फिर कायनात की नेमतें आपके लिए नेमतें नहीं हैं। इंसान को जिंदगी और हयात अगर नसीब है तो माकूलात और मशरूबात के दस्तरखानों से भी फायदा उठाएगा, ओहदा इकतदार की कुव्वतों से मुनाफे हासिल करेगा, अस्करी और लश्करी ताकतों से भी बेनिफिट लेगा। तो गोया कि अगर हयात और जिंदगी है तो सबसे बड़ी नेमतें, सारी की सारी नेमतें फिर आपको हासिल हैं। फिर आपको अल्लाह की इबादत की भी तौफीक होगी तो हयात की बरकत से होगी। अल्लाह तबारक व ताला के सामने झुकेगा तो हयात और जिंदगी होगी तो झुक पाएगा। इसका मतलब है हयात और जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला की सारी नेमतों का खुलासा और निचोड़ है। और यह हयात और जिंदगी ऐसी नेमत है कि जो इस्तेरारी नेमत है, इंसान के इख्तियार में नहीं है। इंसान जब चाहे हयात हासिल कर ले, जब चाहे हयात से छोड़कर ममात हासिल कर ले, नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने इस अजीम शान नेमत को इस्तेरारी रखा, इख्तियारी नहीं रखा। बंदे के इख्तियार में नहीं है कि जब दुनिया में चाहे आ जाए, बंदे के इख्तियार में नहीं है कि जब चाहे दुनिया से चला जाए। यह अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इख्तियार में रखा है। अगर अल्लाह तबारक व ताला बंदों के इख्तियार में हयात और मौत को दे देते तो फिर दुनिया में कोई इंसान कभी मरता ना, इसलिए कि कोई मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने इस कायनात को इतना खूबसूरत बनाया है कि कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता। कहता भी है कि तंग है इस दुनिया से, तंग है इस कायनात से, तंग है मसाइल से, दुनिया के बखेड़ों से, लेकिन वो उसे कहे कि चलो फिर रुख्सत कर आखिरत की, नहीं 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 यार, मरना नहीं यार, बस कोई बात नहीं, भुगत लेंगे, छोड़ना फिर भी नहीं चाहता। ऐसा अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया को दलदल बनाया, ऐसा इसका मिठास और शरीनी लगा दी है कि इस दुनिया को छोड़ना चाहता नहीं है। अगर जिंदगी और मौत का इंसान मालिक हो जाता तो कोई इंसान कभी मरता ना, और फिर जो भी इंसान पैदा होता तो जिंदा ही पैदा होता, कोई भी मुर्दा पैदा ना होता। इसलिए अगर उनकी हयात इख्तियार में होती तो जिंदा पैदा होता और कभी मरता ना, हमेशा जिंदा रहता।